हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिक मैट। और आज हम बात करेंगे माइलिन शीट के हवाले से और टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट। सो बेसिकली व्हाट इज़ माइलिन शीट? माइलिन शीट इज़ बेसिकली लिपिड प्लस प्रोटीन कवर होता है, लेयर होता है लिपिड प्लस प्रोटीन्स। सो ये आपके पास लिपिड प्लस प्रोटीन कवर होता है और ये इंसुलेटिंग लेयर है, इंसुलेटिंग लेयर अराउंड एग्जॉन। अब आपको जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन कौन करता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट। और आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन कौन करता है? पीएनएस में आपके पास माइलिनेशन करता है श्वान सेल। ये जो आप लेयर देख रहे हैं, ये जो इंसुलेटिंग लेयर हैं ये वाले, ये आपके पास बेसिकली है माइलिन शीट। और ये माइलिन शीट आपके पास लिपिड प्लस प्रोटीन, अगर ये एग्जान ये जो न्यूरॉन अगर ये आपके पास सीएनएस में हो तो सीएनएस में आपके पास फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हो तो वहाँ पर आपके पास श्वान सेल्स हैं। सो माइलिन शीट क्या करता है, इसका एडवांटेज क्या है? जब आपके पास माइलिनेशन होगी एक एग्जान की तो वहाँ पर जो सिग्नल होगा वो बहुत जल्दी ट्रांसमिट होगा। अब एक और पॉइंट, ये जो दो माइलिन शीट के दरमियान जो एरिया है इसको कहते हैं नोड्स ऑफ रणवीर। अब नोड्स ऑफ रणवीर में क्या होता है, नोड्स ऑफ रणवीर में आपके पास बहुत ज़्यादा सोडियम चैनल्स होते हैं, तो सोडियम चैनल्स यहाँ पर नोड्स ऑफ रणवीर में बहुत ज़्यादा, और इनके इन दोनों नोड्स ऑफ रणवीर के दरमियान इंसुलेटिंग लेयर होता है। अब नोड्स ऑफ रणवीर में ज़्यादा सोडियम चैनल्स होंगे तो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल होगा, और फिर उसके बाद जो इंसुलेटिंग लेयर है यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। अब माइलिनेशन का फ़ायदा क्या है कि ये आपके पास जो कंडक्शन वेलोसिटी है इसको इंक्रीज़ कर देती हैं, कंडक्शन वेलोसिटी को इंक्रीज़ करती हैं। जैसे कि लेट सपोज़ अगर आपको यहाँ से एक्शन सिग्नल ट्रांसमिट करना है, अगर हर एक एरिया में अगर इसी जगह पर आपके पास सोडियम चैनल हो तो ये जो सिग्नल है ये यहाँ भी आके रुकेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। सो इस तरह ये हर जगह कंटिन्यूसली ये स्लो, इसकी स्पीड स्लो होगी, कंडक्शन वेलोसिटी इसकी स्लो होगी, और जो एक्शन है उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी आपके पास स्लो हो जाती है। सो माइलिनेशन क्या करता है, माइलिनेशन आपकी जो कंडक्शन वेलोसिटी उसको इंक्रीज़ कर देती है और सिग्नल की इंटेंसिटी को भी बरकरार रखती है, और उसके साथ साथ आपकी स्पीड को भी इंक्रीज़ कर देती है, जल्दी से आपके पास सेल बॉडी से एग्जान तक पहुँच जाते हैं। अब जब आपके पास माइलिनेशन होगा फिर ये जो सिग्नल है ये एक तो नोड्स ऑफ रणवीर से दूसरे नोड्स ऑफ रणवीर में जम करेगा, फिर यहाँ से यहाँ जम करेगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो इस तरह ये जो जंपिंग मैनर में जो सिग्नल जाता है इस जंपिंग मैनर को कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन, साल्टेटरी कंडक्शन। अब साल्टेटरी कंडक्शन क्या है, साल्टेटरी कंडक्शन मीन्स के द ट्रांसमिशन ऑफ सिंगल इन अ जंपिंग मैनर। जंपिंग मैनर में क्या है कि आपके पास एक नोड ऑफ रणवीर से दूसरे नोड, मतलब कि सिग्नल आपके पास एक नोड ऑफ रणवीर से जंप करके दूसरे नोड ऑफ रणवीर तक पहुंचा जाता है, फिर तीसरे, फिर चौथे, और इवेंचुअली वो आपके पास एग्जान में पहुंच जाते हैं। अब अगर यहाँ पर आपके पास माइलिन शीट ना होगा तो हर जगह पर यहाँ पर भी सिग्नल स्लो होगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ। सो इस तरह इसकी स्पीड स्लो होगी, वेलासिटी स्लो होगी, और उसके साथ साथ इंटेंसिटी भी स्लो होगी, लेंथ भी आपको बहुत ज़्यादा कवर करना पड़ता है। सो और जब आपके पास माइलिनेशन होगा तो उसकी जो बेनिफिट्स है वो आपके पास ये कि वेलोसिटी एक इंक्रीज़ हो जाएगी, साल्टेटरी कंडक्शन होगा, और उसके साथ साथ आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा लेंथ जल्दी से कवर कर सकते हो। सो माइलिनेशन का ये फ़ायदा है। अब आपके पास दो तरह की माइलिनेशन है, एक आपके पास है, फर्स्ट वन है आपके पास जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में आपके पास जो कंडक्शन है वो आपके पास होता है थ्रू साल्टेटरी कंडक्शन, साल्टेटरी कंडक्शन में क्या होता है कि आपके पास एक नोड्स ऑफ रणवीर से दूसरे नोड्स ऑफ रणवीर तक जाता है। सो इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, कंडक्शन वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, फिर उसके साथ साथ आपकी जो लेंथ कॉन्स्टेंट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। लेंथ कांस्टेंट मींस के कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा लेंथ को कवर कर सकते हो। सेकंड वन है फिर आपके पास अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन,
अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में आपके पास जो कंडक्शन होगा कंडक्शन के टाइम, वो आपके पास होगा कंटिन्यूस कंडक्शन। और फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नोड्स ऑफ रणवीर नहीं है क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूसली आपके पास सोडियम चैनल्स हर जगह पर होते हैं क्योंकि माइलिनेशन है ही नहीं। सो यहाँ पर आपके पास कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, आपके पास लेंथ कांस्टेंट वो भी डिक्रीज़ हो जाता है क्योंकि यहाँ पर देखिए अब माइलिनेशन आपके पास है, सो सल्टेटरी कंडक्शन है, कम टाइम में वो जल्दी जल्दी जा रहा है। अगर आपके पास कंटिन्यूस कंडक्शन है तो यहाँ आएगा, यहाँ सिग्नल हर जगह पर आपके पास रुकेगा और इस तरह बहुत टाइम में ये सिग्नल आपके पास आएगा। सो इस तरह माइलिनेशन का फ़ायदा ये है कि ये आपके पास कंडक्शन वेलोसिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। अब इसके बाद हम करते हैं कि टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिनेशन माइलिनेशन के बेस पे आपके पास तीन किस्म के नर्व फाइबर्स हैं, थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन है आपके पास ए टाइप फाइबर, सेकंड वन है आपके पास बी टाइप फाइबर और थर्ड वन है आपके पास सी टाइप फाइबर। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, जो ए टाइप फाइबर है ये आपके पास सबसे हाईली माइलिनेटेड होंगे। और जो बी टाइप है ये आपके पास होंगे मॉडरेट माइलिनेटेड फाइबर्स होंगे। और जो सी टाइप है वो आपके पास सबसे स्लो या इनकी जो माइलिनेशन आपके पास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या सबसे वेरी लो माइलिनेटेड फाइबर। अब हम बात करते हैं ए टाइप फाइबर्स के हवाले से कि ए टाइप में फिर कौन कौन से फाइबर्स हैं आपके पास। सो अगर ए टाइप फाइबर्स के बारे में बात कर लें, सो ए टाइप फाइबर्स में आपके पास जो फर्स्ट वन है वो है आपके पास ए अल्फ़ा फाइबर। ए अल्फ़ा फाइबर्स आपके पास जो सेंसेशन है वो कौन कौन से, वो आपके पास जो प्रोपियोसेप्शन के सेंसेशन लेके जाते हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन जो आपके पास प्रोपियोसेप्शन के सेंसेशन लेके जाते हैं, प्रोपियोसेप्शन प्लस जो आपके पास मोटर फाइबर्स है, ये जो फाइबर्स है ये दोनों ये आपके पास ए अल्फ़ा टाइप फाइबर्स है और ये सबसे हाईएस्ट माइलिनेटेड, जो इनकी जो माइलिनेशन की डायमीटर है वो आपके पास अप टू 12 टू 20 माइक्रोन मीटर होते हैं। सो सबसे जो हाईएस्ट माइलिनेशन फाइबर्स है आपके पास ए टाइप में वो आपके पास है ए अल्फ़ा फाइबर्स। और इनमें जो ए अल्फ़ा फाइबर में कौन कौन से सेंसेशन है वो आपके पास है प्रोपियोसेप्शन और मोटर। और हाईएस्ट माइलिनेशन 12 टू 20 माइक्रोन मीटर इनकी डायमीटर होती हैं। लेट्स सपोज़ ये आपके पास एग्जाम है तो इनसे जो माइलिनेशन फाइबर है वो आपके पास बहुत ज़्यादा है, सबसे हाईएस्ट माइलिनेटेड फाइबर्स होंगे अगर ये आपके पास एग्जाम है तो, इससे इतना वो माइलिनेशन होता है। सेकेंड वन पर आपके पास है ए बीटा फाइबर। अब ए बीटा फाइबर में आपके पास कौन कौन से सेंसेशन होते हैं, वो आपके पास होते हैं टच प्लस प्रेशर। सो वो नर्व फाइबर जो आपके पास टच और प्रेशर के सेंसेशन लेके जाते हैं वो आपके पास ए बीटा में आते हैं। और इनकी जो माइलिनेशन है वो आपके पास 5 to 12 माइक्रोन मीटर होते हैं, 5 to 12 माइक्रोन मीटर। फिर उसके बाद आपके पास है ए गेमा फाइबर्स, ए गेमा फाइबर्स। तो इनमें जो सेंसेशन है वो ये आपके पास कहाँ पर होते हैं, ये आपके पास मसल स्पेंडल्स जो फाइबर्स है उनमें होते हैं। इनकी जो माइलिनेशन है मसल स्पेंडल्स की जो ए गेमा फाइबर्स है वो आपके पास है 3 to 6 माइक्रोन मीटर। फिर आपके पास लास्ट में जो एक टाइप का सबसे जो लास्ट पार्ट वो आपके पास है ए डेल्टा फाइबर। ए डेल्टा फाइबर में आपके पास कौन कौन से सेंसेशन है, वो आपके पास है पेन प्लस टेम्परेचर, पेन प्लस टेम्परेचर। और इनकी जो माइलिनेशन है वो आपके पास है अप टू 2 to 5 माइक्रोन मीटर। सो ए टाइप में आपके पास टोटल कितने फाइबर्स है, ए टाइप में आपके पास टोटल जो है वो आपके पास है 4 टाइप के, ए अल्फ़ा, ए बीटा, ए गेमा, ए डेल्टा। अल्फ़ा में आपके पास जो सेंसेशन है वो प्रोपियोसेप्शन प्लस मोटर, डायमीटर है आपके पास 12 to 20 माइक्रोन मीटर। बीटा में आपके पास है टच और प्रेशर।
5 to 12 माइक्रोमीटर, ए गेमा में है 3 to 6 और ए डेल्टा में आपके पास है 2 to 5। सो टोटल ए टाइप आपके पास थे सबसे हाईएस्ट माइलिनेटेड, फिर उनमें सब टाइप्स है और उनकी जो माइलिनेशन ऑन द बेसिस और उसके साथ साथ वो कौन कौन से सेशन लेके जाते हैं, सो ये इसके हवाले से इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना चाहिए। सेकेंड वन है फिर आपके पास बी टाइप फाइबर्स। बी टाइप फाइबर्स आपके पास कौन कौन से होते हैं? बी टाइप फाइबर्स आपके पास जो प्री गैंग्लियनिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स है वो आपके पास है बी टाइप फाइबर्स। प्री गैंग्लियनिक, अब प्री गैंग्लियनिक का क्या मतलब है, लेट सपोज ये आपके पास है स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के गैंग्लियन होते हैं। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो फाइबर्स निकल के इन गैंग्लियन तक आते हैं जहाँ पर सेल बॉडी है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये फाइबर निकल के इन गैंग्लियन में सेल बॉडी उनमें टर्मिनेट होते हैं, तो इन फाइबर्स को कहते हैं प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स। प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, अब सिंपैथेटिक हो और अगर पैरासिंपैथेटिक हो प्री गैंग्लियनिक पैरासिंपैथेटिक। फिर इस गैंग्लियन से जो नेक्स्ट फाइबर निकल के टारगेट ऑर्गन पे जाता है इसको कहते हैं पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर। सो प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक का ये डिफरेंस है। सो प्री गैंग्लियनिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स आपके पास कौन से होंगे, वो आपके पास बी टाइप के फाइबर्स होंगे और इनकी जो डायमीटर है वो लेस देन 3 माइक्रोन मीटर है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अबाउट बी टाइप फाइबर। फिर उसके बाद आपके पास जो लास्ट वन है वो है आपके पास सी टाइप फाइबर, टाइप सी फाइबर्स। अब सी टाइप फाइबर्स में आपके पास कौन कौन से फाइबर है, एक तो आपके पास जो डॉर्सल रूट है, जिनमें आपके पास पेन के सेंसेशन जाते हैं, ये आपके पास सी टाइप फाइबर है। और सी टाइप कौन से, वेरी लो, सबसे जो लोवेस्ट माइलिनेशन है, इनकी जो माइलिनेशन है वो आपके पास 0.4 से लेकर 12 माइक्रोन मीटर तक होते हैं डॉर्सल रूट में जो पेन सेंसेशन है। और आपके पास सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर, सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स आपके पास, ये जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स है ये आपके पास भी है सी टाइप फाइबर, इनकी जो माइलिनेशन है वो आपके पास 0.3 से लेकर 1.3 माइक्रोन मीटर तक होता है। सो इनकी जो डायमीटर है ये आपको याद रखना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके पास टाइप्स ऑफ फाइबर ऑन द बेसिस ऑफ, पहले तो आपको माइलिनेशन क्या है, माइलिन शीट आपके पास लिपिड प्लस प्रोटीन है और ये आपके पास क्या करते हैं एग्जॉन को रैप करते हैं, इंसुलेटिंग लेयर बनाते हैं। इंसुलेटिंग लेयर जब बनेगा तो आपकी जो सिग्नल की ट्रांसमिशन है वो आपको उसकी जो ट्रांसमिशन है, एक तो उसकी कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है और उसकी जो कंडक्शन वो आपके पास साल्टेटरी कंडक्शन है, और लेंथ का स्ट्रम भी आपके पास इंक्रीज हो जाता है, कम टाइम में आपके पास ज़्यादा लेंथ कवर हो जाता है। और नोड्स ऑफ रणवीर आपको इम्पोर्टेंट, क्योंकि नोड्स ऑफ रणवीर आपके पास बहुत ज़्यादा सोडियम चैनल्स होंगे, तो वहाँ पर आपके पास जो जंपिंग मैनर से जो एक्शन ट्रांसमिट उसको कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पर माइलिन शीट बनाते हैं अलीगुड एंड्रोसाइट, अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास माइलिन शीट बना रहे हैं श्वान सेल्स। अब माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में साल्टेटरी कंडक्शन होता है नोड्स ऑफ रणवीर, एक नोड्स ऑफ रणवीर से दूसरे नोड्स ऑफ रणवीर में, और इसमें कंडक्शन वेलोसिटी और लेंथ का इंक्रीज हो जाता है। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स में आपके पास कंटिन्यूस कंडक्शन होता है और इनकी जो कंडक्शन वेलोसिटी और लेंथ का वो आपके पास डिक्रीज हो जाता है। फिर जो नर्व फाइबर्स के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ माइलिनेशन आपके पास 3 तरह के हैं, एक है ए टाइप फाइबर हाईएस्ट माइलिनेटेड, बी टाइप फाइबर मॉडरेट, और सी टाइप फाइबर्स जो है ना वो वेरी लो माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं। ए टाइप में आपके पास फिर उनके फर्दर सब टाइप्स है, ए अल्फ़ा है जिसमें आपके पास प्रोप्रियोसेप्शन और मोटर के जो सेंसेशन लेके जाने वाले फाइबर्स वो आपके पास ए अल्फ़ा फाइबर्स है, इनकी जो माइलिनेशन है 12 to 20 माइक्रोन मीटर होते हैं। फिर इसके बाद है ए बीटा जिसमें टच प्रेशर के जो फाइबर्स सेंसेशन जाते हैं और उनकी माइलिनेशन 5 से लेकर 12 माइक्रोन मीटर तक होते हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड सब टाइप है ए टाइप के वो है ए गेमा, उनमें मसल स्पेंडर्स वाले हैं 3 to 6 माइक्रोन मीटर, और लास्ट वन है आपके पास ए डेल्टा फाइबर जिसमें पेन और टेम्परेचर के फाइबर्स जा रहे हैं 2 to 5 माइक्रोन मीटर तक होते हैं। फिर उसके बाद है बी टाइप फाइबर्स। अब बी टाइप फाइबर में आपके पास कौन से फाइबर्स हैं, कौन से नर्व फाइबर आपके पास बी टाइप में आ रहे हैं, वो है आपके पास प्री गैंग्लियनिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल के गैंग्लियन तक जा रहे हैं, सिर्फ ये एग्जान प्री गैंग्लियनिक एग्जान। सो उनकी जो माइग्रेन है वो आपके पास है लेस देन 3 माइक्रोन मीटर।
फिर उसके बाद है सी टाइप फाइबर जिसमें डॉर्सल पेन वाले हैं 0.4 से लेकर 12 माइक्रोन मीटर और पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर जो 0.3 से लेकर अप टू 1.3 मिलीमीटर तक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट माइलिन शीट और साथ में जो नर्व फाइबर्स के टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ माइलिनेशन। इसके बाद है पेरिफेरल नर्व। अच्छा पेरिफेरल नर्व क्या है, जिस लेट सपोज ये आपके पास है टोटल, ये एक पेरिफेरल नर्व फाइबर होता है। पेरिफेरल नर्व फाइबर में फिर फर्दर आपके पास सब टाइप्स होते हैं कि इनमें क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं उसको थोड़ा सा हम डिटेल से करते हैं। पेरिफेरल नर्व में आपके पास जो एक एग्जान होता है, सिंपल जो नर्व फाइबर हो, एक नर्व फाइबर उसको जो फॉर एग्जांपल ये आपके पास है एक नर्व एग्जान, इसको जो सिंपली एक श्वान सेल माइलिनेट करता है उसको कहते हैं एंडोन्यूरियम। एंडो मींस के सबसे इनर। तो पेरिफेरल नर्व में जो फॉर एग्जांपल पूरे नर्व में जो एक एग्जान है और उसकी एक जो सिंपल अपनी माइलिनेशन है उसकी जो कवर है, कवरिंग है, इसको कहते हैं एंडोन्यूरियम। एंडोन्यूरियम क्या करता है, दिस इज़ अ थिन सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू विच इनशीट्स अ सिंगल एवरी इंडिविजुअल एग्जान फाइबर। जो एक एग्जान है इंडिविजुअल उसको जो कवर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये श्वान सेल है। अब ये जो कवरिंग है हर एक इंडिविजुअल एग्जान की, लेट सपोज ये आपके पास एक एग्जान है, ये आपके पास है दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवें, इस तरह ये सारे जो एक एक एग्जान है इन सब की जो कवरिंग है इसको कहते हैं एंडोन्यूरियम। तो एंडो मीन्स इनर लेयर जो कि सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल न्यूरॉन को कवर करते हैं। सो पेरिफेरल नर्व में सबसे पहले आपके पास है एंडोन्यूरियम और एंडोन्यूरियम आपके पास क्या करते हैं इंडिविजुअल न्यूरॉन को या इंडिविजुअल एग्जान को रैप करते हैं या सराउंड करते हैं। अच्छा फिर उसके बाद आपके पास सेकेंड वन है पेरिन्यूरियम। अब पेरिन्यूरियम में आपके पास क्या है, पेरिन्यूरियम में आपके पास, अच्छा अब ये जो आपके पास एग्जान्स हैं, अब एक इंडिविजुअल एग्जान है फिर उसके बाद दूसरा तीसरा, ये सारे जब एक साथ कंबाइन हो जाए तो ये एक बंडल बनाते हैं और इस बंडल को कहते हैं फेसिकल। ये जो बंडल है आपके पास, ये आपके पास है फेसिकल और एक फेसिकल को कौन सराउंड करता है, वो आपके पास है पेरिन्यूरियम। पेरिन्यूरियम आपके पास एक एक फेसिकल को सराउंड करते हैं। सो सेकंड वन है आपके पास पेरिन्यूरियम। पेरिन्यूरियम क्या करते हैं, आपके पास जो जितने भी आपके पास एंडोन्यूरियम है या जितने भी एग्जान फाइबर जो वो सारे जो बंडल बनाते हैं उस सारे बंडल को उस फेसिकल को सराउंड करते हैं। सो ये सराउंड करते हैं अ होल फेसिकल। फिर उसके बाद पेरिफेरल नर्व में जो लास्ट पार्ट है वो है आपके पास एपिन्यूरियम। अब एपिन्यूरियम में क्या है, अब ये जितने भी फेसिकल्स है, लेट सपोज ये आपके पास एक फेसिकल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, साथ में फेसिकल के साथ साथ आपके पास ब्लड वेसल्स है, वेनस सप्लाई है, ये जो जितने भी टोटल स्ट्रक्चर है फिर पेरिफेरल नर्व में जिसमें फेसिकल्स है, फेसिकल के अंदर एग्जान्स हैं, ब्लड वेसल्स है, नर्व है, इन सब को जो शीट डेंस कनेक्टिव टिशू, ये आपके पास है डेंस कनेक्टिव टिशू। कनेक्टिव टिशू जो लेयर है वो आपके पास है एपिन्यूरियम का। एपिन्यूरियम पे सराउंड करता है आपके पास सारे फेसिकल्स के बंडल्स को। सो उसके साथ ये फिर आपके पास क्या करते हैं, फेसिकल प्लस ब्लड वेसल्स और वेंस, इन सब को सराउंड करते हैं आपके पास एपिन्यूरियम। सो पेरिफेरल नर्व में आपके पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपके पास है सबसे पहले एंडोन्यूरियम। एंडोन्यूरियम आपको जो इंडिविजुअल एग्जान है उनको सराउंड करते हैं। फिर ये सारे जो एंडोन्यूरियम एक साथ कंबाइन होकर एक बंडल बना देते हैं जिनमें आपके पास बहुत सारे एंडोन्यूरियम है। अब इस बंडल को क्या कहते हैं, पेरिन्यूरियम। और फिर जब आपके पास बहुत ज़्यादा पेरिन्यूरियम कंबाइन होके साथ में इनमें ब्लड वेसल भी आ जाए, सपोज ये आपके पास ब्लड वेसल भी आ गए, इन सब को फिर जो कनेक्टिव टिश्यू कवर करता है इसको कहते हैं आपके पास एपिन्यूरियम। सो ये था आपके पास पेरिफेरल नर्व फाइबर्स के स्ट्रक्चर्स और इनके कंपोनेंट्स। यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।